जय हिंद वंदे मातरम साथियों, आज का ये वीडियो है, बहुत ही शॉर्ट ही वीडियो रहने वाला है। और जो वैकेंसी आएगी कौन सी, संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट में, जो शिक्षा डिपार्टमेंट है जो संस्कृत वाला, उसमें दोस्तों अलग से वैकेंसी आती है, उसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। उसी प्रकार जो अन्य स्टाफ है उसमें आपका जैसे लाइब्रेरियन हो गया, या उसके अलावा आपका जो PTI हो गए, या फिर कंप्यूटर अनुदेशक, यानी कंप्यूटर अनुदेशक, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, जिसको कंप्यूटर हम टीचर भी हम बोलते हैं, उससे संबंधित ये वीडियो है। ये कल ही जो शाम दिन को है, जो उपेन्द्र यादव ने ट्वीट करके जानकारी दी है, ये ट्विटर अकाउंट है। तो संस्कृत शिक्षा विभाग की अध्यापक भर्ती, एक तो फर्स्ट तो अध्यापक भर्ती, फिर उसके बाद में कंप्यूटर, ये दूसरे नंबर की कंप्यूटर अनुदेशक, थर्ड है दोस्तों आपका PTI, फोर्थ है लाइब्रेरियन भर्ती, यानी चार बड़ी भर्ती आ रही है। विज्ञप्ति जारी करवाने को लेकर लगातार हमारा जो प्रयास जारी है, कल संस्कृत शिक्षा विभाग ने निदेशक की कार्मिक विभाग और वित्त विभाग में इन भर्तियों को लेकर अधिकारियों से मिल रहे थे। यानी कि जो उपेन्द्र यादव है, जो बेरोजगारों के लिए हमेशा आवाज उठाते रहते हैं, उन्होंने क्या कहा कि जो आपके संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट है उसमें वैकेंसी अच्छी आएगी। एक तो अध्यापक भर्ती यानी थर्ड ग्रेड वाली है, फिर कंप्यूटर अनुदेशक यानी कंप्यूटर टीचर की बहुत ही अच्छी वैकेंसी इसमें आने वाली है। इसके अलावा कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी मदरसा बोर्ड में भी आएगी, 2500 की घोषणा हो रखी है। कितनी? 2500 की जो घोषणा हो रखी है मदरसा बोर्ड में, उसमें भी कंप्यूटर अनुदेशक यानी कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आएगी। इसके अलावा आपके दोस्तों जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, ये जो नॉर्मल शिक्षा डिपार्टमेंट है उसमें भी आएगी, आपके लगभग 1100 की घोषणा हो रखी है। और संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट में यानी कि आपका जो ये लाइब्रेरियन की वैकेंसी है दोस्तों, ये शिक्षा डिपार्टमेंट और संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट दोनों अब मिलकर आएगी। यानी विज्ञप्ति एक साथ भी आ सकती है और अलग अलग भी आ सकती है, कर्मचारी चयन बोर्ड के ऊपर है। तो ये टोटल है दोस्तों, संस्कृत शिक्षा विभाग की इन भर्तियों की तैयारी कराने वाले युवा बेरोजगारों को, अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी कर रखे हैं। आचार संहिता से पहले इन भर्तियों की विज्ञप्ति जारी करवाएंगे, मतलब आचार संहिता से पहले विज्ञप्ति जारी करवाएंगे, ये कहना है उपेन्द्र यादव जी का। तो दोस्तों कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, इसमें हर जो स्कूल है उसमें वहाँ कंप्यूटर लैब स्थापित है, उसी के आधार पर यह वैकेंसी आती है। इसमें दोस्तों आपका अभी जो पिछली वैकेंसी 10,000 के लगभग वैकेंसी आई थी, उसमें आपके 3,000 से 4,000 की वैकेंसी अभी भी पेंडिंग पड़ी है, क्योंकि जो आपका 40% है वो उसमें नहीं बना था। तो 40% लाओ और कंप्यूटर टीचर बन जाओ, यानी कि आपके संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट में अब यह कितनी है, 2,000, तो क्या कितनी आएगी कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी, उसके बारे में लगभग एक आइडिया बता रहा हूँ कि संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट में 2000 तो इसमें आएगी, 2500 आएगी आपके मदरसा बोर्ड में। और जो जितने भी पहले जो शिक्षा विभाग में खाली है और नए जो पद है, वो कुल मिलाकर 6000 के लगभग आने वाले हैं। तो दोस्तों टोटल कुल मिलाकर 10,000 की जो कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी वापस आने के चांस यहां पर बन रहे हैं। तो अपनी जो तैयारी है वो जारी रखें। और कंप्यूटर टीचर बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, मिनिमम आपको सबको पता है ओ लेवल चाहिए, उसके अलावा आपका ग्रेजुएशन हो रखा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका जो PGDCA डिप्लोमा होता है, PGDCA, ये दोस्तों PGDCA डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये एक वर्ष का होता है, सबसे जल्दी टाइम में हो जाता है दोस्तों। और इसमें आपका कंप्यूटर टीचर के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। इसके अलावा जो सूचना चाहिए कि वैकेंसी आती है कर विभाग की, टैक्स असिस्टेंट की आती है, उसमें भी PGDCA चल जाता है। तो PGDCA लगभग सभी वैकेंसियों में, जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आ रही है, लगभग सभी में ये PGDCA चलता है, तो यह भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों अलग अलग प्रकार की वैकेंसी है, अलग अलग प्रकार के डिप्लोमा के बारे में हम आपको यहां पर बताते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और दोस्तों किसी को भी आपका PGDCA करना है कंप्यूटर टीचर के लिए, तो भी सामने स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं PGDCA के लिए। राजस्थान में कौन कौन सी कॉलेज क्या है, कहाँ है, ये दोस्तों अपने स्तर पर भी आप देख सकते हैं, हमारी कोई वो उसमें बाध्यता नहीं है। हम तो एक आपको हेल्प के लिए यहाँ पर जो PGDCA वो करवाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।